आप सैर कर रहे हैं, सैर भी कीजिए और खबरों से अपडेट भी रहिए। द सूत्र आपके लिए लाया है सुबह का पॉडकास्ट, सैर भी खबर भी। नमस्कार, मैं हूं राहुल गढ़वाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूरत, भावनगर, अहमदाबाद और अंबाजी में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी लगभग 29,000 करोड़ रुपए की तमाम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश के पहले CDS विपिन रावत की मौत के 9 महीने बाद देश को दूसरा CDS मिल गया है। केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS के रूप में नियुक्त किया है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को सैन्य मामलों के विभाग की सचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। लेफ्टिनेंट जनरल चौहान 1981 से 2021 तक सेना में महत्वपूर्ण पदों पर रहे। वे 40 साल की शानदार सेवा के बाद सेना की पूर्वी कमान के प्रमुख जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद से 31 मई 2021 को रिटायर हुए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 21वें दिन पांडीकट पहुंची। राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की महिलाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन बीजेपी द्वारा उनके साथ वस्तु जैसा व्यवहार किया जा रहा है। सबसे घृणित उदाहरण उत्तराखंड में अंकिता की हत्या है। भाजपा के मुख्यमंत्री ने सभी सबूतों को कुचल दिया। आरोपियों की रक्षा के लिए हम भाजपा को महिलाओं के साथ एक दूसरे के दर्जे के नागरिक के रूप में व्यवहार करने की अनुमति नहीं देंगे। आपको बता दें कि केरल में 19 दिन गुजारने के बाद यात्रा 1 अक्टूबर को कर्नाटक पहुंचेगी। बॉलीवुड फिल्म थैंक गॉड का विवाद यूपी बिहार के बाद अब MP तक आ गया है। फिल्म में भगवान चित्रगुप्त का चरित्र गलत तरीके से पेश करने पर विवाद हो रहा है। ऐसे में भोपाल जिला कोर्ट में फिल्म के खिलाफ शिकायत की गई। राजधानी भोपाल के गोलघर निवासी टीचर शिवम सक्सेना ने प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक्टर अजय देवगन और फिल्म निर्माता इंद्र कुमार ईरानी के खिलाफ परिवाद दायर किया है। इस मामले की सुनवाई बुधवार को होगी। शिकायतकर्ता का कहना है कि थैंक गॉड का ट्रेलर लगभग 3 मिनट का है। ट्रेलर को टी सीरीज कंपनी ने लॉन्च किया है। फिल्म में भगवान चित्रगुप्त का चरित्र गलत तरीके से पेश किया गया है।